तिलक चावला, आज बात होगी उस विषय की जिसको लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है, वो संग्राम जो आज उत्तर प्रदेश के चुनावी शोर से सवाल गुम है। ये सवाल जो गुम है उसके पीछे एक दिलचस्प वजह है। आज उस चर्चा का जिक्र करने में आया हूं जिस चर्चा का जिक्र चुनाव में नहीं हो रहा, ना हिंदू है ना मुसलमान है ना ही हिजाब पर बवाल है। यह दरअसल कहानी है महंगाई की। कहीं आपको कोई महंगाई का शोर सुनाई देता है, वो भी तब जब पेट्रोल के दाम, हैरान हो जाएंगे आप, पेट्रोल के दाम स्थिर है, स्थिर, फिर भी आप कहेंगे महंगाई का मुद्दा आखिरकार चुनावी शोर से क्यों गुम है, इसके पीछे की वजह क्या है। साफ है, पेट्रोल डीजल के दाम 4 नवंबर 2021 से स्थिर है। कब से? 4 नवंबर 2021 से लगभग 2.5 महीने हो गए पेट्रोल के डीजल के दाम स्थिर है, लगभग स्थिर, लगभग। लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि 7 मार्च के बाद पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, अब जान के आपको हैरानी हो जाएगी कि 2.5 महीने से जो पेट्रोल के दाम स्थिर हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। पिछले 50 दिनों से, कितने 50 दिनों में लगभग 20 डॉलर कच्चा तेल महंगा हो गया। अब उसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े, 7 साल के उच्चतम स्तर पर कच्चे तेल के दाम है। यानी 7 सालों में जितना कच्चे तेल के दाम नहीं हुए वो अब हो चुके हैं, 7 साल के उच्चतम स्तर पर। कितने कच्चे तेल के दाम? लगभग 88 डॉलर्स, 88 से 89 प्रति बैरल पर पहुंच चुका है कच्चे तेल का दाम। और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल जब करीब 89 रुपए प्रति डॉलर बैरल के हिसाब से हो, तब भी कच्चे तेल के दामों में आग लगी हो, मगर फिर भी पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़ रहे हो, संकेत क्या है? 2022 में कच्चे तेल के दामों में 10% से भी ज्यादा का उछाल आया। मैं नए साल का जिक्र कर रहा हूं, नए साल 2022 का मैं जिक्र कर रहा हूं, जब कच्चे तेल के दामों में 10% से भी ज्यादा का उछाल आया। अपने मेहमानों की तरफ रुख करूं तो ये आंकड़े इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि यहां पर कहानी यहीं से शुरू होती है कि 7 मार्च जब नतीजा आएगा, मतलब वोट डाला जाएगा, और 8, 9 और 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे, और फिर उसके बाद क्या गारंटी कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। बीते 4 हफ्ते से लगातार कच्चे तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, वो भी तेजी से। 10 मार्च को 5 राज्यों के नतीजे आएंगे और ऐसे में चुनावी नतीजे आने के बाद पेट्रोल डीजल की मार एक बार फिर से आप पर पड़ सकती है। यह हुई खबर, चुनावी शोर में यह खबर गुम है, पेट्रोल डीजल के दाम। महंगाई के स्पोर्टर कहेंगे कि इससे क्या लेना देना, चाहे 100 रुपए महंगा पेट्रोल हो या फिर 200 रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और आंकड़ों का भी मैं आगे जिक्र करूंगा और बात करूंगा पश्चिम बंगाल के चुनाव की, साथ ही बात होगी बिहार के चुनाव की भी, उसका आकलन भी मैं आपको बताऊंगा, दिलचस्प आंकड़ा है उसका भी। लेकिन उससे पहले सीधा रुख करूंगा अपने मेहमानों की तरफ। आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देता हूं। गुर्रेश शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के युवा चेहरों में से एक हैं, तेज तरार प्रवक्ताओं में से एक हैं। गुर्रेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही दीपचंद राठौर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, युवा चेहरे हैं। संजीव चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और साथ ही हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे देश के जाने माने
अर्थशास्त्रियों में से एक जिन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान है, राहुल लाल, जो इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले गुर्रेश जी, अच्छे दिन आ गए। जब देश के ऊपर कोई आंख उठाने की कोशिश नहीं करे तो डेफिनेटली अच्छे दिन आ गए। जब देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हो तो डेफिनेटली अच्छे दिन आ गए। जब हम यदि कीर्तिमान बना लें कोविड के समय कि हमारी महंगाई की दर जो है वो दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम है और फूड इन्फ्लेशन ऐतिहासिक रूप से लो है। आप फ्यूल की बात कर रहे हैं, मैं पेट के फ्यूल की भी बात करूंगा जिसको हम फूड कहते हैं। फूड इन्फ्लेशन ऐतिहासिक रूप से कम है, एवरेज 3.5% पर है, तो अच्छे दिन आ चुके हैं। और जब हमको आम घर के अंदर गैस का चूल्हा दिखता हो और पक्का मकान गरीब के पास दिखता हो तो डेफिनेटली अच्छे दिन आ जाते हैं, तो अच्छे दिन है भाई साहब। अच्छा सर, पेट्रोल के दाम क्या चल रहे हैं इस वक्त? यानी महंगाई तो कोई मुद्दा ही नहीं है। महंगाई हमेशा मुद्दा रहता है और रहता है। कहां सर, वो मेरे देश की मीडिया बता रही है वो कोई हिजाब बहुत बड़ा मुद्दा बन गया देश को, हिंदू मुसलमान लड़ा दो, टकरा दो, गिरा दो, वो बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा है सर। ये कहां महंगाई महंगाई के चक्कर में, लगता है आपको महंगाई महंगाई कोई मुद्दा है? कितना बोरिंग टॉपिक है। ऐसा होता कि अभी हिजाब पर डिस्कशन हो रही थी, गुर्रेश शेख यहां से ललकार रहे होते, संजीव चौधरी वहां से ललकार रहे होते। ये तो बहुत बोरिंग विषय है महंगाई की, नहीं सर? देखिए महंगाई कैसा विषय है जो हर आदमी सोचता है और सोचने के बाद ही वोट देता है। यदि उसका एनुअल बजट, अच्छा महंगाई पर वोट डालता है, पब्लिक वोट डालती है महंगाई पर, लगता है आपको? मुझे तो लगता है, लगता है। मुझे तो लगता है यदि आदमी की जेब में पैसा नहीं होता तकलीफ होती है उसको, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार है जो मासिक बजट था वो नहीं कर पाया। एक बात सही है कि इस किटी में हो सकता है कि ज्यादा उसको व्यय करना पड़ा हो लेकिन दूसरी किटियों से कम करना पड़ा है। गैस सिलेंडर का रेट क्या चल रहा है? वो घर का बजट संतुलित रहा है। गुर्रेश जी आप अपने घर पर गैस यूज करते होंगे, गैस सिलेंडर का क्या रेट है सर? आपके घर कितने का आता है? 1000 का आता है। 1000 का जी। पेट्रोल 100 के पार? हाँ, डीजल भी लगभग लगभग इतना ही है, 90 का डीजल भी। अच्छा सर, वो रिफाइंड तेल का क्या भाव चल रहा है? कौन से वाले का सर, जो यूज करते हो आप वही बता दीजिए मुझे। नहीं मैं तो जो शुरू से करता हूँ वो थोड़ा कॉस्टली है। क्यों कॉस्टली है? क्योंकि ऑलिव का यूज करता हूँ मैं। अच्छा, महंगे वाला यूज करते हैं सर आप। कड़वा तेल की बात करोगे तो 220 के आसपास है। 220 के आसपास। इतना गुस्से में क्यों बोल रहे हैं सर आप? 220 के आसपास है। मैं इसलिए पूछ रहा था, आप कह रहे थे ना महंगाई नहीं है, इसलिए आटे दाल भाव हम बात करें। हाँ सर, अच्छा मुझे एक बात बताइए और देश के लोगों को भी, आप क्योंकि थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र का ज्ञान, क्योंकि मुझे बहुत कम है, आंकड़ों में मैं बहुत कमजोर हूँ। 7 मार्च के बाद पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? मतलब चलिए 10 मार्च लगा लीजिए सर, 10 मार्च के बाद पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे या नहीं? हाँ, क्या लगता है आपको? आप 10 मार्च लगा ले, 15 मार्च लगा ले, लेकिन मैं आपको एक सिद्धांतिक बात बताता हूँ कि एक कैपिंग करी है भारत सरकार ने कि इन्फ्लेशन की दर 6% से ऊपर नहीं जाएगी, और 6% से ऊपर नहीं जाने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो RBI और भारत सरकार मिलकर करेगी और उसको 6% से नीचे रखेगी। सर आपको क्या लगता है कि 10 तारीख के बाद, 10 मार्च के बाद जब चुनाव के नतीजे आएंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? मैंने क्या बोला कि 6% से अधिक इन्फ्लेशन की दर हिंदुस्तान में हम नहीं जाने देंगे, जो कि 12% 13% 10% सर, वो जो पेट्रोल 100 रुपए का डलवाता है, मनमोहन सिंह जो 200 रुपए का तेल खरीदता है खाने का, अब उसको क्या मालूम इन्फ्लेशन क्या होती है? सर मैंने सीधा पूछा कि 7 मार्च के बाद पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, सर इतना बता दीजिए मुझे। देखिए अगर यूक्रेन की जंग वगैरह नहीं होती है तो चीजें संतुलित रहेगी। यूक्रेन की जंग, यदि यूक्रेन पे, यदि देखिए जंग होती है यूक्रेन में, जो कि मुझे लगता है पर्सनली नहीं होगी, मुझे लगता है क्योंकि मैं जियोपॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूं, मुझे लगता नहीं होगी। लेकिन होती है तो रशिया जो है, संसद में संबोधित कर रहे थे गुर्रेश जी, संसद में संबोधित कर रहे थे, वो बता रहे थे नेहरू जी का कोई भाषण था जो लाल किले से दिया था उन्होंने, तब बताया था कि कोरिया में जंग हो रही है और यहाँ पर दाम महंगे हो रहे हैं। आप वही वाली बात कर रहे हैं शायद?
नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, आपने केवल अच्छा, पेट्रोल की बात की है, मैं अच्छा। आपने केवल पेट्रोल की बात की है। कोरिया जो है वो कभी भी नहीं, उस समय भी नहीं और आज भी कोरिया जो है पेट्रोल विक्रेता नहीं, वो ओपेक नहीं, नहीं पेट्रोल नहीं, वो वस्तुओं के दाम संसद में बोल रहे थे, आप ध्यान से देखिएगा, देश के प्रधानमंत्री स्पष्ट बोल रहे हैं 6% से ज्यादा बढ़नी ही नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस के पास जाऊंगा, ये बेफालतू के मुद्दा बनाते हैं, महंगाई 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 कोई मुद्दा नहीं है आप जैसे बता रहे हैं। मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ, ये चुनाव में पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़ते, इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है? नहीं ऐसा नहीं है, चुनाव तो हमेशा ही चलता रहता है हमारे देश में, हमेशा पांचों साल चुनाव चलता रहता है, तो इसका कोई चुनाव से लेना देना नहीं होता, चुनाव से कोई लेना देना नहीं। तो फिर 4 नवंबर 2021 से पेट्रोल के दाम, 4 नवंबर 2021 से पेट्रोल के दाम स्थिर है 2.5 महीने से, और 50 दिन में $20 महंगा हुआ है कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार, 50 दिनों में $20। नहीं मैंने आपको कहा ना कि कैपिंग वो नहीं है केवल इंटरनेशनल मार्केट, कैपिंग ये है कि 6% से ऊपर इन्फ्लेशन की दर नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं वो तो आप लोगों के हाथ में ही नहीं है ना पेट्रोल डीजल के दाम, जैसे आपके नेता बताते हैं कि है। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि 6% से ज्यादा रेट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं जाए, उसके लिए जो करना है वो करेंगे। नहीं नहीं तो फिर आप कैसे कर लेंगे, क्योंकि आपके हाथ में तो है ही नहीं पेट्रोल डीजल के दाम। नहीं है, लेकिन सरकार जो है वो किसी माध्यम से भी, चाहे फिर करेंसी प्रिंट करके, चाहे वो डॉलर को बेचकर, चाहे पेट्रोल को एक स्थायी रखकर, जो कुछ भी हो वो करके इन्फ्लेशन की दर को 6% पे सीमित रखेगी, ये बात है। और हमने ये कानून बना के किया है। ओके, यानी चुनावों के चक्कर में पेट्रोल डीजल के दामों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, आप ये कह रहे हैं चुनावों का कोई इससे क्या लेन देन भाई साहब? ओके, मैं बताऊंगा क्यों लेन देन। ओके, मैं अब आगे बढ़ता हूँ और सीधा रुख करूंगा अपने मेहमानों की तरफ। संजीव चौधरी भी जुड़े हैं और साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राठौर जी भी जुड़े हैं। मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा था दीपचंद जी, सुना आपने वो कह रहे हैं महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, आप लोग मुझे लग रहा है कि सरकार को बेवजह जो है एक तो बदनाम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। हमारे देश में मुद्दा क्या है? हिजाब। हमारे देश में क्या मुद्दा है? मुसलमान हिंदू। हमारे देश में मुद्दा है जाट और मुसलमान। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है दीपचंद राठौर जी। धन्य तिलक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस वो पार्टी ना हिंदू की बात करती है ना मुसलमान की बात करती है, प्रजा रोजगार है, हम तो निवाले की बात करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जब 2014 के अंदर इन्होंने महंगाई को मेन मुद्दा बनाकर रोज आए दिन सड़कों पर हल्ला बोला करते थे, और आज ये सबसे महंगी सरकार साबित हुई है जनता के बीच में। तेल की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, तेल के साथ साथ पेट्रोल डीजल ये जो हमारे घर के जितने भी सामान है उन पे भी इन्होंने महंगाई कर दी। आज जो तेल पता हमारे टाइम में कांग्रेस टाइम में 60-70 रुपए लीटर था, आज वो 250 के पार हो गया। कांग्रेस टाइम में 70 से 80 कभी पेट्रोल नहीं गया, जो 100 के पार चला गया आजादी से, आजादी के बाद। इनसे पूछना चाहूंगा कि ये जो जितने भी वादे करते हैं भारतीय जनता पार्टी, ये सब जुमले होते हैं। मेरे आपको एक दो लाइन के माध्यम से बताना चाहूंगा, मोदी रीत सदा चली आई, वादे या झूठे ये सबसे बड़ा सवाल है, जो कह जाए कभी नहीं निभाते, सिर्फ इनको जुमला आता है। इलेक्शन के टाइम आपको याद लाना चाहूंगा, जब बंगाल के अंदर इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के बाद इन्होंने उसी टाइम दूसरे या तीसरे दिन ही इन्होंने रेट बढ़ाए थे भारतीय जनता पार्टी ने। तो आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है, क्या 10 मार्च के बाद आप क्या पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ाएंगे? आपके सामने मैं पूछवा दूं दोबारा से, वो कह रहे 10 मार्च के बाद नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल के दाम। मैं दोबारा जी, इनको जनता नहीं है, इनको सिर्फ सरकार बनाने में और हिंदू मुसलमान की राजनीति और तुष्टिकरण द्विकरण की राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी राठौर जी की कंफ्यूजन दूर करिए। वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि 10 तारीख के बाद हो सकता है कि 7 मार्च के बाद ही आप पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ा देंगे, उनकी कंफ्यूजन दूर करिए। ऐसा मैं थोड़ा सा इनके मैं दिमाग को जाले झाड़ देता हूं। 2013 में एक अनर्थ शास्त्री प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब देश में महंगाई की दर हुआ करती थी 10.91, 2012 में थी 9.31, 2010 में थी 12%, 2009 में थी 11%। तो इनके की बोलने की क्या वैल्यू है, 6% तो ऊपर बढ़ने ही रही है, फूड इन्फ्लेशन 3% से ज्यादा नहीं है, बात कर रहे हैं नीति है। हमने किस तरह की गाली थपथपाए, टैक्स आप लोगों ने नहीं भरा, जनता का पैसा, टैक्स का पैसा भारतीय जनता पार्टी ने खाया,
और मैं आपको बताना चाहूंगा, तो पीएफ में फेयर फंड है जो कोरोना काल के अंदर, वो भी देखिए अभी मैंने इनको थोड़ा सा आईना दिखाया तो इनकी बौखलाहट तिलक भाई आपने देखी, और कुछ नहीं करे कांग्रेस दिख रही है आपको, थोड़ा सा मैंने आईना दिखा दिया, अब क्या करेंगे आईने को फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आईना तो अब आपको दिखा देंगे, पांच राज्यों में आप दिखा देंगे आईना आपको भी, जनता जनता लोकतंत्र यही पहचानेगी, अगर किसी से कोई गलती है तो प्रचंड बहुमत से सरकार आएगी, उसके बाद आप भी बीजेपी में आओगे भाई साहब, थोड़े दिन को समझ चुकी है, आप भी बीजेपी में ज्यादा से बहुत सारे कांग्रेसी आते हैं, ज्यादा दिन नहीं चलती, आए दिन आपको 10 मार्च को रिजल्ट पता लग जाएगा, वो तो बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा रिजल्ट। संजीव चौधरी जी जी, तो मतलब महंगाई मुद्दा ही नहीं है, गुर्रे जी कह रहे कोई मुद्दा नहीं है महंगाई, आप लोग बेवजह चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, हमारे देश की मीडिया बता रही है कि कोई महंगाई भी मुद्दा नहीं है, मेरे देश की मीडिया भी यही बता रही है कि महंगाई मुद्दा नहीं है, आप बेवजह शोर मचा रहे हैं और आप सरकार को बदनाम कर रहे हैं, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। देखिए हमारे भाई प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, जो इन्होंने शुरुआत करी, हम पहले भी बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही झूठी पार्टी, इनके कार्यकर्ता से लेके और उच्च पदों तक प्रधानमंत्री जी तक सुबह से शाम तक केवल झूठ की पाठशाला पढ़ते हैं, और इन्होंने एक चीज सीख रखी है, जैसे पार्टियां सोचती हैं कि भी हमें विकास करना है, दिमाग लगाती हैं और पार्टियां कि हमें ये करना है, हमें ये केवल एक चीज सोचते हैं कि हमें पब्लिक का कैसे बेवकूफ बना के केवल वोट अर्जित करनी है अपने लिए। पार्टी जो इन्होंने अभी ये बात कही है, जितनी बातें इन्होंने बताई है वो सारी झूठ बताई है, ये सोच रहे होंगे कि तुमने ऐसा बोल दिया तो सामने वाली जनता ने हमारी, छोड़िए हम तो मानेंगे ही नहीं, चलो हम तो एक प्रवक्ता के तौर पे पार्टी के बैठे हैं, पार्टी के नेता के तौर पे बैठे हैं, तो हम तो ये जो बात बोलेंगे उसका कटाक्ष करेंगे ही, लेकिन जो जनता सुन रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितनी बातें अभी तक इन्होंने बोली है वो सारी बिल्कुल झूठ बोली है। रहा महंगाई का सवाल, महंगाई हिंदुस्तान में 2014 से एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, ये एक नहीं दो नहीं थी, 2014 से पहले महंगाई नहीं थी संजीव चौधरी जी। देखिए जितनी महंगाई इन लोगों ने बढ़ाई है उतनी तो नहीं थी, 2014 में पेट्रोल का रेट क्या था, तो फिर भी हमारे देश में महंगाई मुद्दा क्यों नहीं है, मैं उस पर भी आ जाऊंगा 2014 वाला पेट्रोल के, 2014 में देख लीजिए, अगर आप कह रहे हैं कि हाय तौबा महंगाई, हाय तौबा महंगाई, लेकिन फिर भी महंगाई मुद्दा क्यों नहीं है। 2014 में पेट्रोल का रेट कहा था, डीजल का रेट कहा था, इस देश को बोली बाली जनता को इन भारतीय जनता पार्टी के झूठे और ना समझ लोगों ने कितना ठगा, हमारी जो रसोई जिससे खाना बनता है सिलेंडर कितने रुपए था 2014 में, और इन्होंने कितना बेवकूफ बनाया कि हम सबको सब्सिडी देंगे, और धीरे 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 लाके वो सब्सिडी खत्म कर दी, आज वो 1000 का सिलेंडर है, 7 साल में जस्ट डबल का सिलेंडर है, एक आम आदमी तो नहीं ले सकता 1000 का सिलेंडर, जो ये अपनी योजना की गिनाते हैं कि हमने सिलेंडर दे दिया, एक सिलेंडर इन्होंने मुफ्त दे दिया, दूसरा सिलेंडर भ्रमित कर रहे हैं संजीव चौधरी जी, फिर भ्रमित कर रहे हैं, वो कह रहे हैं महंगाई मुद्दा है, इनको बताइए महंगाई मुद्दा नहीं है, प्लीज दूसरा जी बता रहे गुर्रे जी, आपने उनको कहा कि झूठ बोल रहे हैं, वो क्लियर कर रहे हैं, ओके गुर्रे जी प्लीज जल्दी से, फिर मैं आंकड़ों पर आ रहा हूं। नहीं ये कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आपको यही नहीं पता अभी तक कौन सी पार्टी से हूं, तो फिर आप पे डिबेट पे इसका मतलब आपका ध्यान नहीं है, चावला जी ने कम से कम 10 बार बताया नाम के, भाई साहब आपके नाम के नीचे पहली बात लिखा नहीं, मुझे तो पता लग गया आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, मुझे कैसे पता लग गया, मैंने आपको नहीं देखा पहले व्यक्तिगत, नहीं मैंने भी नहीं देखा, मुझे भी नहीं दिख रहा, अच्छा ओके संजीव चौधरी जी व्यक्तिगत नहीं, आप लाल टोपी पहन लीजिए तब उनको समझ में आ जाएगा, प्लीज कंटिन्यू, आप लाल टोपी पहन लीजिए, आप नल भी हाथ में ले लोगे तो समझ जाएंगे हम कौन सी पार्टी के हैं, आप कोई बात नहीं कल से हम लाल टोपी पहने मिलेंगे आपको भाई साहब, अरे नल ही रख लो भाई साहब, अरे एक टोटी रख लो, नल से तो आप इतना डर गए हैं, नल से आप इतना डर गए हैं कि आपके प्रधानमंत्री जी को कूदना पड़ा चुनाव में, डेली वो डेली आके वो चुनाव में झूठ और जुमले सुबह से शाम तक आपके प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं।
चौधरी जी के बोलने से कुछ नहीं होता क्या, और आपके बोलने से क्या होता है ये बात बोल रहे हैं? अरे बेटा आपकी, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, वैसा आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। क्या अखिलेश यादव ये बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव चौधरी से ज्यादा, चौधरी जी से ज्यादा बुद्धिमान है। वो समझते हैं कि महंगाई की दर 6% पे है, लोग परेशान नहीं है उससे, इसलिए नहीं कर रहे हैं। वरना वो परेशान क्यों नहीं है? पेट्रोल के कहां दाम थे और कहां आज पहुंच गए? रसोई गैस कहां पहुंच गए? कच्चे तेल के दाम कहां पहुंच गए? आप बताइए, सरसों का तेल क्या रेट था 2014 में? या वो ये है कि वो समझदार है? दोनों में से एक को बता दीजिए, क्या वो जमीन से नहीं जुड़े हैं? क्या वो समझदार है? क्या है यानी कि जो आपकी गलत बात माने वो समझदार, मतलब और बाकी पूरा देश देखो। अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ कि यदि अखिलेश यादव नहीं, पूरा देश तो यदि पूरा देश आपको स्वीकार करे तो वो समझदार, और नहीं तो वो बेवकूफ। महंगाई, महंगाई सीरियसली मुद्दा क्यों नहीं है? मैं इतना बात जानना चाह रहा था। दीपचंद राठौर जी अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद गुर्रेश जी आपके पास आ रहा हूँ। चावला साहब, अभी मेरे प्रवक्ता भाई कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिख रही क्योंकि इनको तो जेब में पैसा आ रहा है और ये संख्या आदमी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इस कोरोना काल के अंदर पूरे देश ने, प्रदेश ने मार झेली है और किसी का फायदा हुआ है तो इसमें गरीब वर्ग और मध्य वर्ग मोदी सरकार की मार भी झेली है और महामारी के शिकार भी हुए हैं। और अमीर और गरीब की जो दूरी थी ना, इन्होंने इतनी ज्यादा कर दी है कि एक अमीर तो अमीर होता गया, गरीब गरीब होता चला गया। मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों है कि 10 मार्च के बाद जैसे ही नतीजे आएंगे या 7 मार्च के बाद जब वोटिंग खत्म हो जाएगी तब ये पेट्रोल के रेट बढ़ा देंगे। आपको आशंका क्यों है ऐसी? पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए नतीजे कितनी आ रही है ये बता दीजिए। और प्रियंका वाड्रा, अरे मूल मुद्दा जीत रहे हो क्या? कांग्रेस का खाता खुल रहा है यूपी में, आप ये देखो, आप सरकार बचाओ। राठौड़ साहब खाता खुल रहा है कि नहीं खुल रहा? अगर कांग्रेस से का इतना डर नहीं होता ना, ट्विटर पे आपके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रो रो पीछे नहीं घूमते ट्विटर, एक ट्विटर से तो आप हिल जाती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन क्या है कि कांग्रेस इतना झूठ पहुंचाई, भूले नहीं बुला रही किसी के, किसी को आप चाकू मार दो, कांग्रेस और चौधरी जी क्या समझेंगे आपसे? किसी को चाकू मार दो पड़ती नहीं, चिल्ला क्यों रहा है? दर्द हो रहा है उसको, चिल्ला रहा है। इस देश को आपने इतने जखम दिए, जबकि 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, इसका जवाब दीजिए आप। सरकार आपकी है, 7 साल में आप बैठे हो। आपने कहा था अभी बजट वित्त मंत्री, अरे भाई साहब थोड़ा सा मेरे भाई इतना बता दे, आपने कहा था 7 साल में 14 करोड़ नौकरी देंगे। प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा मैडम जो है वो चुनाव में दलित, एक दलित बच्ची जो थी वो पावर हाउस में मिली है पूर्व समाजवादी पार्टी के, तो क्या प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा मुद्दे से भटका रहे हैं? मुद्दे से भटका रहे हैं आप। एक मिनट गुर्रेश जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, मुद्दे पे आइए ना, आंकड़ों के साथ। चौधरी साहब आ रहा हूँ मैं एक बात जानना चाह रहा था कि आप मतलब देश की जनता को कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए, जो बात आप समझा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात, एक थ्योरी आपसे समझना चाह रहा था गुर्रेश जी। बीते 4 हफ्तों से लगातार कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, और 2022 का मैं जिक्र करूं, नए साल के अंदर कच्चे तेल के दाम 10% से भी ज्यादा उछाल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल जो है वो लगभग 89 रुपीज डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से मिल रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं मिले बढ़ेंगे पेट्रोल के दाम। इतना मतलब कॉन्फिडेंस कैसे है आप? सर मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए है कि पहली बार हिंदुस्तान में किसी सरकार ने आरबीआई एक्ट में कुछ इंक्लूड किया है कि आपको इतनी महंगाई की दर इतने प्रतिशत पर रखनी, उसकी कैप करके रखनी है कि 6% महंगाई से क्या लेना देना, इससे महंगाई से क्या लेना देना, मैं इस पेट्रोल से डीजल से, क्योंकि आप ही के नेता ये बता रहे थे कि विकास के लिए पेट्रोल महंगा करना जरूरी है। आपके नेता बताते थे ना कि विकास करना है तो पेट्रोल महंगा करना जरूरी है। अभी क्या है कि चूंकि हम कोविड से थोड़ा सा निकले हैं, थर्ड वेव से थोड़ा सा बाहर आए हैं, तो इंडस्ट्री को और मार्केट को वापस रीबूस्ट करना है। उसके लिए जो भारत सरकार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में और दूसरी चीजों में ज्यादा पैसा डाल रही है, तो ताकि मार्केट पर तरलता आए। मार्केट में जब लिक्विडिटी आती है तो उससे एक स्वाभाविक रूप से महंगाई बढ़ती है, तो आप महंगाई को रोकने के लिए डिमांड की थ्योरी मत समझाइए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सिर्फ मुझे इतना बताइए कि आप कंट्रोल कैसे कर लेंगे, क्योंकि आपके हाथ में है नहीं पेट्रोल डीजल के दाम।
पेट्रोल कच्चा तेल लगातार बढ़ रहा है और 20 दिन से लगातार बढ़ रहा है और $50 तक महंगा हो गया है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कंट्रोल कैसे कर लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ ना कि भारत सरकार हर कुछ करेगी, चाहे उसको कुछ भी करना हो कि 6% से ज्यादा वो कैप जो है वो क्रॉस नहीं हो। और क्योंकि वर्तमान में भाई साहब झूठ बोल रहे हो, चैनल पे बैठते हैं आप, इन्फ्लेशन मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है माफी के साथ चावला जी, स्टेबिलिटी होना चाहिए, तो इसीलिए इस पे कैप लगा रखी है पेट्रोल डीजल पर भी। अच्छा, पेट्रोल डीजल पर कैप लग गई है, सुना आपने संदीप चौधरी जी, पेट्रोल डीजल यानी कि अब महंगा नहीं होगा माफी के साथ, क्योंकि चावला जी आप बहुत अनुशासित से चलाते हो, मुझे बीच में बोलते हुए बड़ी दिक्कत होती है, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ आपकी डिबेट में, लेकिन इतना झूठ चौधरी केवल एक वोट प्राप्त करने के लिए। मुझे लगता है अखिलेश यादव जो है चौधरी साहब से ज्यादा बुद्धिमान। आप अखिलेश यादव जी का नाम लेके तो आपके प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, तमाम मंत्री सो नहीं पा रहे, प्रधानमंत्री नींद की गोलियां ले रहे हैं, वो इतना घबरा चुके हैं। गृहमंत्री आपकी गलती नहीं है गुरेश भाई, आपकी गलती नहीं है प्रधानमंत्री, आप हमें एक बात बताइए, चलिए आपने बोलिए, आप एक बात बताइए, एक सुनिए एक बात बताइए, यूपी की जनता क्या करती, सुनिए बोल दो आपकी, बड़े भाई मैं बोल दो आप, चलिए मैं आपको, बड़े भाई सुनिए एक मिनट तो सुनिए, आपके प्रधानमंत्री नहीं, बोल दो आप एक मिनट तो सुनिए एक मिनट, अरे आपके अखिलेश यादव नहीं बोल सकते ये बात, आप क्या, आप एक मिनट तो सुनिए, अच्छा बात तो सुनिए, मुझे बोलने तो दीजिए, जो आपने शब्द कहा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, पहली बात तो ये आपकी गलत फहमी पाड़ दूं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। बोल रहे हो कि आप, अब बोलिए मत, आप बोलिए मत, अरे मुझे बोलने दीजिए ना, प्रधानमंत्री आपके गृह मंत्री, अब आप उल्टा जवाब देते रहोगे तो नहीं समझ में नहीं आएगी, ऊर्जा बचाइए, संकेत दे रहा हूँ थोड़ी ऊर्जा बचाइए, संकेत आप रुकिए, उल्टे हाथ पर देखिए, एक तस्वीर और बन गई है, अभी रुकिए मेरे मित्र भी आ गए हैं, राहुल लाल भी आ गए, संजीव चौधरी अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद राहुल लाल आपके पास आ रहा हूँ, देखिए सुरेश भाई समझाया ना आपने, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री अभी सब रेट ले लूंगा मैं, रुकिए गुरेश भाई, मेरा निवेदन है प्लीज बोलना मत जब तक मैं बोलूं, और ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, आपका आदेश। प्रधानमंत्री जी पूरे देश के होते हैं, वो संवैधानिक पद होता है, वो ऐसे कुर्ता फला के और दो लड़के करके वोट नहीं मांगते पूरे देश के अंदर, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अब क्योंकि आज ये हमारा मुद्दा नहीं है, मुद्दा हमारा महंगाई का है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं, जाति के नॉर्मल पर आप बोलने तो दीजिए, अरे आप बीच में बोल पड़े, फिर बात रखने दीजिए, अभी लगातार मैं आंकड़ों के जरिए आपसे बात कर रहा था ना, आप बोल पड़े आंकड़ों के जरिए, उनको संजीव चौधरी अभी चावला जी आपसे पूछेंगे, उनका जवाब दे देना। देखिए आपके गृह मंत्री, आपकी जो है मंत्री तमाम, अरे सबके भाई साहब अभी आप बोल रहे सबके हैं हिंदुस्तान, अच्छा वो अगर सबके हैं तो हमारे लिए वोट क्यों नहीं मांग रहे वो चौधरी साहब, यही तो दिक्कत है, मुझे महंगाई पे बोलने दीजिए चौधरी साहब, मैं कह रहा हूँ आपके तमाम पिच तैयार किया, आप उस पिच पर जाकर खेलने लग गए, वही इस पर महंगाई के मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूँ, आप आ गए बीजेपी से लड़ने के लिए, महंगाई पे ना सर, वही स्मृति ईरानी जी, वही राजनाथ सिंह जी, वही गृह मंत्री जी, सड़कों पे गैस के सिलेंडर के लिए, रसोई के सिलेंडर के लिए, तेल के लिए, डीजल के लिए, कच्चे तेल के लिए सड़कों पे धरने दे रहे थे, और वही पूर्व की सरकार को कितनी बुरी भली बोल रहे थे, जाम लगा रहे थे, आग लगवा रहे थे सड़कों पे, उपद्रव कर रहे थे, यही वो लोग हैं, आज वो सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे, आज वो बोलते भी नहीं है, क्यों नहीं बयान देते, महंगाई कहां पहुंच गई, जस्ट डबल महंगाई 7 साल के अंदर, कोई भी चीज ले लीजिए जस्ट डबल हो गई। मैंने आपके सामने सारे आंकड़े पूछे ना, बताए उन्होंने कांग्रेस ने, अब एक मिनट, अब मैं राहुल लाल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, राहुल लाल बहुत बहुत स्वागत है आपका, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज बिल्कुल डिफरेंट मूड में जो है आप इस डिबेट के लिए शामिल किए गए हैं, क्योंकि आज पूरे देश में चर्चा है हिजाब, हिंदू मुसलमान, जाट मुसलमान, लड़ा दो टकरा दो फिरा दो, लेकिन मेरी एक अलग चिंता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि गुर्रेश जी से मैंने पिछले आधे घंटे से जो चर्चा की, निचोड़ यही निकला कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है देश में, जो उन्होंने मुझे समझाया, लेकिन मैं एक श्योरिटी चाह रहा था, गुर्रेश जी ने पूरी तरह से वो श्योरिटी नहीं दी, कि मैं ये चाह रहा था राहुल लाल जी कि 7 मार्च के बाद से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन वो कह रहे कि नहीं हो सकता है, नहीं
ऐसा नहीं होगा। तो अर्थशास्त्र के नजरिए से मुझे समझाइए कि चुनाव में आखिरकार पेट्रोल के दाम क्यों नहीं बढ़ते हैं, क्यों स्थिर हो जाते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 4 नवंबर 2021 के बाद से पेट्रोल के दाम स्थिर हैं, यानी कि 2.5 महीने हो गए पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े। ये कौन सी थ्योरी है कि 50 दिनों में $20 कच्चा तेल महंगा हो गया लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। देखिए जरूर हम लोग ये चीज कहते हैं कि भाई पेट्रोल कंपनियां दाम तय करती हैं। अगर आप अभी तो आप देख रहे हैं कि नवंबर से मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है, उसके पहले जब पश्चिम बंगाल के चुनाव थे तब भी देख लीजिए, जैसे ही आखिरी चरण के चुनाव तक उसमें तक वृद्धि नहीं हुई थी और आखिरी चरण के चुनाव हुए उसके बाद से फिर लगातार जो कि डीजल और पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि हो रही थी। और कितने बार तो मैंने आपके साथ डिबेट कर लिया, तो स्पष्ट है कि देखिए सरकारें दावा जितना भी कर लें कि वो कंपनियां स्वतंत्र है, वो अपने ढंग से निर्णय करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करता है, राष्ट्रीय बाजार तय करता है, ये कहने की चीजें। अभी चूंकि 7 मार्च तक बिल्कुल चुनाव का मामला है तो एक तरह से वो कंपनियां अभी दाम नहीं बढ़ा रही हैं। 7 मार्च के बाद तो हम लोग एक तरह से अप्रत्याशित महंगाई का सामना करेंगे और ये बिल्कुल आंखों के सामने वाली चीज है। देखिए गुलरेज शेख है, थोड़े अर्थव्यवस्था को वो अर्थव्यवस्था के बारीकियों को समझते हैं, भले मन में वो समझते हैं, बाहर बोलते नहीं है वो। हम लोग हमेशा देखिए महंगाई को जब देखते हैं तो दो तरह से देखते हैं, तो थोक महंगाई दर और एक खुदरा महंगाई दर। हम पहली बार लंबे समय से ये प्रक्रम हम लोग देख रहे हैं कि थोक महंगाई दर खुदरा महंगाई दर से लगातार ज्यादा बना हुआ है, वो थोड़ा मोड़ा ज्यादा नहीं बना हुआ है, वो डबल डिजिट में 13-14% के आसपास, 13-14% के बीच में वो घूम टहल रहा है। और इसके कारण क्या है? इसके कारण है वही फ्यूल के दाम, डीजल पेट्रोल के दाम। और देखिए डीजल पेट्रोल एक ऐसा चीज है कि उसने पूरा समीकरण बिगाड़ दिया है। और आपको यह ध्यान होना चाहिए कि डीजल पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि के द्वारा इस सरकार ने अब तक 24 लाख करोड़ के आसपास आमदनी कर ली है, जिसमें डीजल पेट्रोल के दाम, पेट्रोल के मूल्य निगेटिव चल रहे थे 2020 में, उसमें भी एक तरह से भारत में जो है कि उसका कोई राहत यहाँ के उपभोक्ताओं को नहीं मिला। तो राहुल, मैं और दर्शकों को यह समझाइए, क्योंकि बहुत करीब से आप आंकड़ों को भी समझते हैं, जानते हैं और अर्थशास्त्र को भी समझते हैं, मुझे ये समझाइए। इनका ये कहना है कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, पेट्रोल कंपनियां खुद तय करती हैं कि दाम क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, तो 2.5 महीने से ये पेट्रोल के दाम स्थिर कैसे हैं? और वो भी तब जैसे मैंने जिक्र किया कि 50 दिनों में $20 जो है वो कच्चा तेल महंगा हो गया, ये कैसे संभव हो सकता है? आज जो है वो 88 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से है, वो पार कर गया। नहीं देखिए ये तो अब सरकार लगातार, मैंने पहले कहा कि सरकार दावा करती है कि वो कंपनियां स्वतंत्र होकर निर्णय करती हैं, लेकिन जब भी हम लोगों ने देखा है कि कोई चुनाव के मामले आते हैं तो अचानक से मूल्यों में वृद्धि रुक जाती है, तो स्पष्ट है कि वो तेल कंपनियां कब तेल के दाम घटाने हैं बढ़ाने हैं वो चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल चुनाव से लेना देना, उदाहरण देखेंगे तो दिख जाएगा आपको। मैं तो कह रहा हूं पुराना उदाहरण देखने की जरूरत ही नहीं है। पश्चिम बंगाल का आखिरी चरण के चुनाव संपन्न और अगले दिन से दाम के मूल्यों में जो वृद्धि शुरू हुई वो लगातार हो ही रही थी। मुझे भी याद और आपको भी याद होगा कि उस समय में जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे तो हम लोगों ने दर्जनों बार इसी मुद्दे पर, चूंकि आप महंगाई के मामले पर लगातार आप डिबेट का हिस्सा बनाते हैं, उस समय भी मैंने आपके साथ, मैं उस डिबेट का हिस्सा रहा हूं। इसलिए यह दावा सैद्धांतिक तौर पर जरूर कहा जा रहा है लेकिन इसका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं दिखता। चुनाव आते ही दाम के मूल्य रुक जाते हैं। जवाब दीजिए, जो मेरे को आप गणित समझा रहे थे, अर्थशास्त्र समझा रहे थे, और जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अर्थशास्त्री और पता नहीं क्या आपने बोला, अनर्थशास्त्री कुछ ऐसे बोला आपने, आई एम राइट। तो अब समझाइए, अब आपके सामने अर्थशास्त्री आए, जरा वो गणित समझाइए जरा राहुल लाल को जो आप मुझे समझा रहे थे। तिलक भाई अच्छा हुआ राहुल जी आ गए क्योंकि ये थोड़ा समझते हैं अर्थव्यवस्था को। हाँ मेरे को तो नहीं आती सर। नहीं आपको आती है लेकिन बाकी आपने समाजवादी पार्टी को भी बिठाया ना, प्रॉब्लम ये है। अच्छा मतलब समाजवादी पार्टी, ओके समाजवादी पार्टी से दिक्कत है आपको, उनको उनको महंगाई समझ में नहीं आती, ओके उनको हिंदू मुसलमान समझ में आता है, प्लीज कंटिन्यू पर्सनल नहीं। राहुल भाई एक बात आप मानेंगे कि हमारी सरकार ने जो खुदरा की आप जो बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की, वो ऐतिहासिक रूप से कम रखा है या नहीं? 6% की जो एक कैपिंग की है वो बाकायदा आरबीआई को इस चीज का निर्देश दिया है, कानून बना के उस चीज को लाए हैं कि आरबीआई विल डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग, जो कुछ भी करना होगा वो करेगा, लेकिन जो इन्फ्लेशन की दर है वो 6% से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, वो वैसा हो भी रहा है। यदि आप एवरेज में फूड इन्फ्लेशन को उठा के देखें, जिसको मैं कहता हूं कि वो पेट का ईंधन होता है, वो पेट का ईंधन इन्फ्लेशन की रेट उसकी 3.5% एवरेज में आई है, जो हिस्टोरिकली लो है। जब कोविड में आप ये देखिए
कि यूनाइटेड स्टेट्स में दुनिया अपने उनकी इतिहास की चार दशक की सबसे ज्यादा खतरनाक महंगाई चल रही है। यही स्थिति जो है यूरोपियन यूनियन की है, ये खुद यूएन के आंकड़े कह रहे हैं कि दुनिया भर में इन्फ्लेशन की दर 30% हुई है, वहां पर भारत 6% पर है। तो ये इस चीज का श्रेय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप जवाब दीजिए राहुल। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपके पास, आपके पास देखिए देखिए अगर मैं कहूं कि आरबीआई ने जो सरकार को निर्देश दिए हैं, क्योंकि मैं आरबीआई के लगातार जब वो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट को मूल्यों में क्या परिवर्तन किया जाए ना किया जाए, जब उसकी नीतिगत दरों को तय करने के लिए उसकी बैठक हो रही है, तो उन्होंने एक तरह से माना है कि 5% से ज्यादा का उनके तरफ से जो कैप दिया गया। देखिए आप जो कैप बता रहे हैं 6% का, ये तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही, लेकिन आरबीआई का मानना है कि 5% के दर को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और हम लोग लगातार देख रहे हैं कि वो 5% का दर हमेशा क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। अब रही बात कि भाई अंतरराष्ट्रीय स्थितियां क्या है और उसको लेके क्या चीजें बन रही हैं। देखिए मैं तो अभी 2018-19 से मैं देख रहा हूं कि उसी समय से जब से आर्थिक मंदी की स्थिति भारतीय बाजारों में हम लोग देख रहे थे, तभी से केंद्र सरकार लगातार अंतरराष्ट्रीय स्थितियों की उसी समय कोरोना काल से पहले ही दुआई दे रही थी कि भाई हमारे यहाँ पे स्थिति इसलिए गड़बड़ है, बेरोजगारी अगर 45 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ रही है तो अंतरराष्ट्रीय स्थिति जिम्मेवार है उसके लिए। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो उसके लिए चीन और अमेरिका का जो है वो ट्रेड वार जिम्मेवार है। जबकि उसी समय हम लोगों ने देखा कि कई देश ऐसे थे कि छोड़ दीजिए दूसरे देशों को, बांग्लादेश देश की स्थिति देखते थे, उन लोगों ने अपने आप को किस उस स्थिति में भी किस तरह से सर्वाइव किया और उसका भी लाभ लिया। तो कई बार जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ हम लोग लाभ की स्थिति ले सकते हैं, वो स्थितियां भारत के समक्ष रही है, भारत ने नहीं लिया उसका लाभ। देखिए हमारे दर्शक है ना, वो सीधी सीधी बात समझते हैं, ये आप गणित आप लोग समझाते हैं उनको समझ में नहीं आएगा इतना गणित, गणित सर के ऊपर से निकल जाता है सर उसको। मैं तो सीधा बात समझा रहा हूं। राहुल लाल मुझे बताइए कि 10 तारीख के बाद, क्योंकि गुररेस जी गारंटी दे रहे हैं कि 10 तारीख के बाद पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, क्या ये प्रैक्टिकल है या नहीं, सिर्फ इतना बताइए, या फिर हम तैयार रहे कि 10 तारीख के बाद बढ़ेंगे? 10 तारीख नहीं, 7 तारीख के बाद, 7 तारीख को जब आखिरी चरण के मतदान हो जाएंगे तो आपको 10 तारीख का भी आप इंतजार मत कीजिए परिणाम का, आपको 8 तारीख से ही, 8 या 9 तारीख से ही आपको तेल के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि दिखेगी। और ये मैं एकदम आप नोट कर लीजिए दावे के साथ 100% कह रहा हूं, क्योंकि देखिए आप अंतरराष्ट्रीय मूल्य कहां जा चुके हैं और लगातार बढ़ रहा है वो, उसके और बढ़ने की ज्यादा संकट है, यूक्रेन संकट चल रहा है, तमाम और मामले चल रहे हैं, तो अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है, चुनावों को देख के सरकार ने जबरन ब्रेक लगाया हुआ है अभी इसके ऊपर, तो महंगाई बड़ी ऊपर स्तर पर आने वाली। दीपचंद्र राठौर जी आप अपनी बात रखिए और फिर संजीव जी आप अपनी बात रखिए, मैं इसलिए चिल्पू नहीं चाह रहा था, मैं समझना चाह रहा था कि अर्थशास्त्र के नजरिए से क्या समझ में आता है। ये कह रहे हैं भैया एक अर्थशास्त्री जिन्हें आप कह रहे थे कि अनर्थशास्त्री, अब राहुल लाल समझा रहे कि भैया बढ़ेगा, ये मान लो 7 तारीख के बाद नहीं तो 8 और 9 के बाद तो पक्का बढ़ेगा पेट्रोल डीजल के दाम। लेकिन फिर भी दीपचंद्र राठौर जी मेरा सवाल यही है, अभी मैं एक और आंकड़े के साथ आऊंगा अभी और कुछ और आंकड़ों का भी जिक्र करूंगा, लेकिन आप ये बताइए कि अगर वाकई महंगाई मुद्दा है तो इसे मुद्दा क्यों नहीं बना पाया? चावला साहब महंगाई बिल्कुल मुद्दा है, क्योंकि महंगाई तो मुद्दा हम सड़क से लेकर संसद तक अगर किसी ने धरातल पर अगर कोई कार्य या धरना प्रदर्शन करा था वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से आज अर्थव्यवस्था की बर्बादी का आलम है, जिस तरह से महंगाई की मार का आलम है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम का आलम है, और चारों तरफ जनता ये कह के चित्कार कर रही है कि कोई उम्मीद भर नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, पहले आती थी मोदी जी के झूठे वादों पे ऐसी, अब किसी बात पर नहीं आती, चाहे दो पहिए की बात हो, चाहे चार पहिए से पेट्रोल गायब करने की बात हो, लोगों के थाली से इन्होंने खाना छीनने की बात हो, जेब में पैसा नहीं उनके हाथ में, और एक तरफ तो कोरोना काल के अंदर नौकरियां नहीं है लोगों के हाथ में, दूसरी तरफ इन्होंने इस तरह की महंगाई बढ़ा दी है कि आजादी के बाद आप देखोगे 100 से पार पेट्रोल हो गया है। अगर मैं इनसे पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी का, अगर जब इन्होंने जिस तरह काले कानून लेकर आए थे, इन्होंने कहा था ये काले कानून बिल्कुल ठीक है, इनको लगा कि हम चुनाव हार रहे हैं तो इन्होंने काले कानून वापिस लिए, अगर वो मैं इनसे पूछना चाहूंगा तो काले कानून ठीक थे तो लाए क्यों, अगर गलत है तो हटाए क्यों? ये वाली बात है, आपकी गंगा में पानी बहुत है, फिर आप काले कानून पर आ गए, काले गोरे नीले पीले छोड़ दीजिए ना, आप महंगाई मुद्दा, मैं महंगाई की बात करता हूँ आप काले कानून पर आ जाते हैं, फिर बिल्कुल महंगाई मुद्दा नहीं उठाती। अगर महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करता हूँ आप 3 कानून पर चले जाते हैं, हिजाब पर चले जाते हैं, हिंदू मुसलमान, आप सर महंगाई पर आइए ना, सब पार्टी शुरू से उठा रही है, और पार्लियामेंट में भी हम महंगाई का, मैं राहुल जी ने बात कर रखी है गरीबी भूखमरी, ये संसद में भी उस पर बात नहीं करते, वहां से भी ये संसद को मतलब
बाहर निकलने की बात करते हैं, उसको बंद करने की बात करते हैं। राहुल जी तो हर बात मुद्दे की बात करते आए कि भाई मुख्यमंत्री के सवालों का जवाब नहीं देते, महंगाई पर वो सवाल उठाते हैं। तो गुर्रे से जवाब दीजिए, फिर चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूँ, फिर राहुल जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए राहुल गांधी क्या है, आप ये देखिए ना कि इस देश में दो कॉमेडी शो चलते हैं, एक टीवी पे चलता है कॉमेडी नाइट पे कपिल शर्मा, और दूसरा चलता है मोबाइल फोन पर राहुल गांधी को, जिसको सुनना हो। तो राहुल गांधी को कोई भी आप अपनी मर्यादा में रहकर बात करिएगा, कोई भी सीरियसली नहीं लेता ना सर। मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ, अगर मैंने अभी देखो अपमानित करूंगा आप, इसलिए अपनी बात रखिए। कल आपको बीजेपी में आना है, थोड़े दिन रुक जाओ, अभी बीजेपी में होगी, इसलिए मत बोलिए। सारे कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में, भारत के सब लोग भाजपा में ही रहने हैं, तो इसलिए बात मत करें। लेकिन राहुल गांधी कोई बहुत सीरियसली लेता नहीं है भाई साहब, और प्रधानमंत्री जी आज ही लेते हैं हम, तभी मैं कह रहा हूँ कि 6% पे यदि रोक के रखा है महंगाई की दर को। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता सब तरफ की बात कर रहे हैं, ये नहीं बोल पा रही है कि 2013 में 11% की क्यों महंगाई की दर हुआ करती थी आपके जमाने में, 2012 में 10% क्यों थी, 2010 में 11.9% क्यों थी, 2009 में 11% क्यों थी, जो आप 6% कर रहे हो, आप ये भी तो बताइए ना, आप ये भी तो बताइए, जनता आपको जूते मारती है बार बार चुनाव में, जूते मार जूते तो आपको आपकी आपकी पता लग जाएगा, जनता आपको किस तरह मारेगी। वो कहता है राजा अहंकार सबको होता है, वो अहंकार आपके अंदर बैठ चुका है भारतीय जनता पार्टी में, और लोग एक आंकड़ा बताते हैं, आप ये भी बताइए ना, एक मिनट रुकिए, अगर मैं गलत हूँ उसको करेक्ट कर देंगे राहुल लाल। मैं एक बात बांधना चाह रहा था कि मनमोहन सरकार का आप जिक्र कर रहे थे, 2014 का आंकड़ा देख रहा था, पेट्रोल के दाम 71.52 रुपए कितने 2014 में, पेट्रोल के दाम 71.52 रुपए बिल्कुल। अब कई राज्यों में 100 के पार नहीं, तो क्या आप जो अपना एनुअल या फिर महीने का जो बजट बनाते हैं केवल पेट्रोल ही यूज करते हैं, आप खाना पीना भी करते हैं, आपके बच्चे की शिक्षा भी करते हैं, आप बिजली का बिल भी भरते हैं, सब मिलाकर ही तो इन्फ्लेशन की दर बनती है, केवल एक ही चीज होता है ये जो 6 तरीके का इन्फ्लेशन है, इसमें आप 2014 से पहले ये वाला इन्फ्लेशन क्यों नहीं समझा देते कि बहुत हुई महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल इतने पार उतने पार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब आएगी मोदी सरकार, तब आप ये बात क्यों कहते थे? महंगाई की दर अगर 11% थी तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, हम 6% आप समझ गए संजीव चौधरी जी, वो ये समझा रहे हैं कि भैया महंगाई काबू में है, सब कुछ काबू में है, इसलिए आप लोगों के लिए महंगाई मुद्दा नहीं है और ना देश के लिए। फिर राहुल लाल आपके पास आ रहे हैं, अखिलेश यादव भी नहीं बोल रहे, समझते हैं वो काबू में। देखिए देखिए चावला जी, मुझे नहीं भाई साहब, थोड़ा चुप रहिए आप बोल लिए, हमें बोल रहे। मैं अखिलेश यादव नहीं, जयंत चौधरी की बात करता हूँ, यूपी के दोनों छोरों की, तो दोनों नहीं बोल रहे आपसे तो ज्यादा अकल मंद है, एक सिडनी में। अरे तो बोलने तो दो आप हमें, आप ही बोलते रहोगे पूरे चैनल पे बैठ के। मैं तो आप क्यों नहीं बोलने दे रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि आपसे नहीं, आप तारीफ मत कीजिए, आप महंगाई को कम कीजिए, तारीफ मत कीजिए। देखिए चावला जी, इनके पास कोई भी जवाब नहीं है, हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, कोई जवाब नहीं है, ये केवल बदतमीजी भरे शब्द यूज कर सकते हैं, राहुल गांधी की खिजिया उड़ा सकते हैं। जिस देश में, मैं तारीफ नहीं कर रहा, न मैं कांग्रेस का वोटर हूं, मैं समाजवादी पार्टी का कट्टर सिपाही हूं, लेकिन जिस आदमी ने, जिसके परिवार ने पूरा अपना पूरा परिवार देश के लिए खो दिया हो, उस आदमी के लिए ये इस तरीके की भाषा का यूज करें, तो सबसे बड़ी तो हमारे देश की दुर्भाग्य यह है कि देश हमारे गलत हाथों में जा रहा है। रही बात महंगाई की, आदमी बोलोगे तो
रही बात महंगाई की, महंगाई महंगाई देश में, महंगाई देश में चरम पे है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। भाई साहब एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए। भारतीय कांग्रेस बुरा मान जाएगी आपकी, अब आप बोलने नहीं दोगे, मेरा समय आप ले लोगे, मैं कैसे कह पाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश, महंगाई इसलिए बढ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पैसा लूट के अपने पार्टी फंड में जमा कर लिया है। आज इनसे पूछिए इनकी पार्टी का फंड 2014 में कितना था और आज की डेट में इतनी इनकी पार्टी का फंड कहाँ है, वो पैसा कहाँ से आया। वो हमारा पैसा है, हम जो गरीब लोग हैं हमारे देश के, वो उस पैसे को निचोड़ के इन्होंने जो धनाढ्य लोगों को, कुछ चंद लोगों को ठेके दे दिए हैं, उनसे पैसा वसूल करके अपनी पार्टी को तमाम मजबूत कर लिया और इस देश को नंगा कर दिया, इस देश को गरीब कर दिया, इस देश को। और मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी वालों, तुम्हें ये देश माफ नहीं करेगा, इसकी सात पीढ़ी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि तुमने देश में भुखमरी पैदा कर दी। तुम इस देश को बेचना चाहते हो, जसना चाहते हो, तुम जहरीले हो। मैं कहता हूं तुम जहरीले लोग हो। राहुल लाल अपनी बात जहरीले लोग हो तुम। मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूं, कुछ चावला जी देखिए, उस पर आता हूं। देखिए मैं बिल्कुल सामान्य जनता के समझने के रूप में मैं कुछ समझा रहा हूं। मैं देखिए, मैं मान लीजिए कि बाहर से मैं सब्जी बाजार गया, वहां से मैं गोभी खरीद के लाया, लेकिन अब आप देखिए यहाँ तो गुलरेश सर जी कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल ही महंगाई नहीं होती, कैसे वो प्रभाव डालता है। वो जब खेत से आया मार्केट तक, फिर मार्केट से हमारे पास तक, उसमें बार बार उसमें ट्रांसपोर्टेशन वह उसमें बढ़ता रह गया। और आपने दूसरा जो है कि आपने गैस, जब मैं उसको चूल्हे पे पकाऊंगा उसमें सरसों तेल की जरूरत पड़ेगी, वो हमें 200 रुपया प्रति लीटर प्राप्त होगा। जब हम उसमें उसको रसोई पे पकाएंगे, रसोई गैस पे, वो सिलेंडर इतना महंगा पड़ा हुआ है। तो आप सोच के देखिए कि जब मैं उस गोभी या आलू के सब्जी को बना के खाना खाने जा रहा हूं मैं, तो मेरे पेट तक पहुंचते वो कितना महंगा हो जा रहा है। तो इसलिए उसका प्रभाव है, आप उसको अगर डायरेक्टली ना देखें तो इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है, नंबर वन चीज। नंबर टू चीज की देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को सुझाव भी दूंगा कि डीजल पेट्रोल के दाम भले अंतरराष्ट्रीय स्थितियां ऐसी, इसमें भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोगों का जो सबसे पुराना पारंपरिक मित्र था ईरान, वो हमें अंतरराष्ट्रीय मूल्य से कम 25% दर पे, सस्ता दर पे जो है कि हमें डीजल पेट्रोल मुहैया कराता था, वो इंडियन वाटर सिस्टम को भी वो स्वीकार करता था। हम लोग क्यों बात है, भारत सरकार की नीति रही है कि हम लोग एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबंधों को ही मानते हैं, बाकी किसी के भी प्रतिबंध को नहीं मानते हैं। 2019 में हमें अभी भी याद है, 2019 में उस समय जो है कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री थी, उनका बयान था कि भारत सरकार अभी भी अपने उस पुराने नीति पे कायम है। तो अगर हम लोग उस अमेरिका के दबाव में ना झुक के ईरान से अगर हम लोग तेल लेते हैं, वो एशियाई प्रीमियम चार्ज भी नहीं लगाता है। वो देखिए जो दूसरे देश है ओपेक के कंट्री, वो एशियाई प्रीमियम चार्ज भी लगाते हैं, उससे भी हमारी जो है कि चीजें महंगी हो जाती। आज हम लोग चावला साहब जो तेल खरीद रहे हैं, हम लोगों ने काफी बड़ा जो है कि अमेरिका से तेल ले रहे हैं, उसकी क्वालिटी भी सही नहीं है और वो दाम में भी काफी महंगा पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी वो महंगा पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे चीज, विकास के लिए महंगा पेट्रोल खरीदना भी तो बहुत जरूरी है ना कि नहीं? तो भाई जो बीजेपी नेता कहते हैं कि विकास के लिए महंगा पेट्रोल खरीदना बहुत जरूरी है, देश से देश का विकास होता है। देखिए चावला साहब, दो चीज समझना पड़ेगा, जब हम लोग 13-14 से या 11-12 उस समय से तुलना करें और अभी की स्थिति में, देखिए जब परचेजिंग पावर कैपेसिटी लोगों की घटी हुई है, लोग आपका बेरोजगारी का दर काफी ज्यादा है इस समय, वैसे स्थिति में ऊपर से जब महंगाई होती है, तो इस महंगाई का इम्पैक्ट कई गुना बहुत मतलब भयावह इसका इम्पैक्ट होता है इसका। तो ये चीज समझना पड़ेगा कि आप किस परिस्थिति में ये महंगाई है। देखिए अभी लोग अगर रोजगार में भी हैं, तो रोजगार में भी आपकी कैसी स्थिति है, आप लोग जान रहे हैं कि जो लोग रोजगार में हैं वो या तो अपने पहले के वेतन के 50% पे काम कर रहे हैं या 25% वेतन पे काम कर रहे हैं। अगर वो उसके लिए तैयार नहीं हो रहा, तो लोग कंपनी उनको बाहर फेंक दे रही है उनको। आपके पॉकेट में पैसा नहीं और ऊपर से महंगाई, तो इसलिए इसके लिए आपको अलग नीतियां बनानी पड़ेंगी, आपको अर्थनीति और विदेश नीति इसके हिसाब से आपको तैयार करनी चाहिए। ओके, अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था कुछ आंकड़ों के आने का, लेकिन फिर भी मैं कुछ आंकड़े जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी हो गया है और मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि गुर्रेश जी सबने सुना, आपने कहा कि चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, चुनाव से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का कोई लेना देना नहीं है, ये तो आप लोगों के हाथ में भी नहीं है, इसलिए ढाई महीने से
पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन राहुल लाल कह रहे हैं कि लिख लीजिए कि 8, 9 या 10 तारीख के बाद से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे बढ़ेंगे। अब मेरा एक सवाल खड़ा होता है, सवाल यहां पर ये कि जब बंगाल के चुनाव थे, पश्चिम बंगाल के चुनाव 2021 में आचार संहिता से पहले 15 दिनों में 11 बार पेट्रोल के दाम बढ़े, 2021 में आचार संहिता से पहले पेट्रोल डीजल के दाम 15 दिनों में 11 बार बढ़े, चुनाव के 36 दिन के दौरान चार बार दाम घटे, नतीजे आने के बाद 15 दिनों में 8 बार दाम बढ़ गए, यह भी इत्तेफाक था? इत्तेफाक नहीं था, देखिए उस समय यह था कि आचार संहिता से पहले जो इंटरनेशनल हाइक हुआ था और उस समय हम कोविड से धीरे धीरे निकल रहे थे, तो उस हिसाब से अर्थव्यवस्था को देखते हुए उसमें वृद्धि हुई थी, लेकिन जब चुनाव के समय अच्छा, की बात तो आज भी तो पेट्रोल आज भी तो आप कच्चा तेल महंगा खरीद रहे हैं, फिर भी कैसे? मैं आ रहा हूँ ये थ्योरी वहां लागू नहीं होती। मैं आ रहा हूँ और उसके बाद क्या हुआ था कि जब चुनाव के समय इंटरनेशनल मार्केट पर क्रूड गिरा था तो उसके दाम कम कर दिए गए थे, लेकिन उसके जस्ट बाद ये हुआ था कि मार्केट में रेट भी बढ़ रहा था लेकिन ऑलमोस्ट लॉकडाउन वाली स्थिति बन गई थी। अच्छा। तो उस समय ऐसा तो नतीजे आने के बाद 15 दिनों में आपने 8 बार दाम बढ़ा दिए चला था, अभी इसलिए है कि हम थर्ड वेव इसलिए चुनाव हमको मार्केट चलिए भी रखना है और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में। चावला साहब 8 बार में से पहला दाम दिया था आखिरी, चावला साहब 8 बार जो दाम बढ़े थे बंगाल के चुनाव के बाद वो पहला नतीजे आने से पहले ही बढ़ गए थे, नतीजे 3 मई को आने थे, उसके पहले ही चुनाव आखिरी चरण का खत्म हुआ, प्रथम दाम प्राइस प्रथम हम लोग देख लिए थे 15 दिनों में 8 बार बढ़ दिए। ओके ओके ये भी इत्तेफाक था। अच्छा मेरी एक और थ्योरी दूं, एक और देखिए कितना दिलचस्प है ना, बिहार चुनाव 9 सितंबर 2020 मेरे को आप लोगों की तरह सर गणित वणित बहुत कमजोर है मेरा, 9 सितंबर 2020 दिल्ली में 82.08 रुपए प्रति लीटर दाम पेट्रोल का, आचार संहिता लागू होने से पहले 6 बार दाम कम हुए, 25 सितंबर से 10 नवंबर तक पेट्रोल के दाम स्थिर रहे, यह भी इत्तेफाक था जी? आप देखिए चुनाव की बात करोगे ना तो हिंदुस्तान में हर समय साल भर और पांचों साल चुनाव चलते रहते हैं, तो दोनों के बीच में कोई लिंकेज होता ही नहीं है, लिंकेज एक ही चीज को आप कर सकते हैं कि 6% महंगाई की दर को कैप लगा के रखना है हमको, उसके लिए दोनों करना होगा करेंगे। अभी 6% जो 100 रुपए पेट्रोल खरीद रहा है उसको 6% नहीं समझना, थोक महंगाई दोस्तों आप हमेशा खुदरा महंगाई दर की बात कर रहे हैं, थोक महंगाई दर का बिल्कुल महंगाई से कोई मतलब उसका कोई रिश्ता नाता कुछ भी नहीं मानते आप। एक और खुशखबरी दूं, बुलरेश जी एक और खुशखबरी दूं, अखबार की सुर्खियां पढ़ के सुनाऊं मुझे दिख नहीं रहा, मैं पढ़ के सुना देता हूं झटका, बेकाबू हो रहा खाद्य तेल इस साल कीमतों में रिकॉर्ड तेजी, पेट्रोल डीजल की मैं बात कर रहा हूं, यहां तो खाद्य तेल रिकॉर्ड तेजी अब क्या रिकॉर्ड तेजी, खाद्य तेल की बढ़ रही कीमतों से महंगाई को थामने के प्रयास को खतरा, क्या खतरा, सफेद सरसों 2021 में 149 रुपए और अब 199 रुपए, वृद्धि कितनी हुई 33.5%, पाम तेल 114 रुपए 2021 में 2022 में 134 रुपए 18% की वृद्धि, सूरजमुखी का तेल 153 रुपए 2021 में 2022 में 181 रुपए 16-17% की वृद्धि, और सोया तेल 136 रुपए 2021 में और 2022 में 154 रुपए 13-14% की बढ़ोतरी, ऐसे ही मूंगफली तेल सर यहां तो पता चल रहा है कि 15%, पाम तेल सोयाबीन 12%, सरकार के पास अब क्या रास्ता बचा है सर, आप कह रहे कि खाद्य तेल, यहां तो खाद्य तेल भी महंगा है सर, आप इसमें से कौन सा इस्तेमाल करते हैं ये भी बता दीजिए आप। तिलक भाई मैं बता दिया मैं कौन सा करता हूँ, लेकिन एनीवे एक बात फैक्ट है ये, और अभी राहुल भाई भी बोलेंगे इस बात पर कि फूड इन्फ्लेशन एक्सेप्ट फॉर एडेबल ऑयल फूड इन्फ्लेशन 3.5% पर रहा है। देखिए यही मल्टी डायमेंशन होती है इकोनॉमी की कि आप अच्छा, यहां से पकड़ो उदाहरण दे रहा हूँ
आप ये बताइए ना कि खाद्य तेल का जिक्र कर रहे थे आप, तो पेट्रोल डीजल की बात कर रहे थे, खाद्य तेल भी इस बार रिकॉर्ड तेजी, लेकिन फिर भी देश के लिए मुद्दा नहीं है, हिजाब मुद्दा है। रिकॉर्ड तेजी हुई एडिबल खाद्य तेल में, रिकॉर्ड तेजी हुई, लेकिन बाकी जो खाने पीने की चीजें थी उसमें रिकॉर्ड गिरावट हुई। उसका मतलब गुलदस्तर देखिए वो आपके गुलदस्तर, अब देखिए रसोई गुलदस्तर साहब देखिए रसोई गैस को हम लोग उसमें नहीं जोड़ रहे हैं, खाद्य वाले हिस्से में तो नहीं जुड़ रहा, वो आपका ईंधन वाले हिस्से में जुड़ जा रहा है, लेकिन वो हमारे रसोई को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप बताइए। जो सीधे सीधे सिलेंडर का दाम इतना बढ़ा हुआ है वो अभी उसको प्रभावित कर रहा है। और जब आप मार्केट अभी जाइए आप इसमें आप देख लीजिए तमाम चीजों के ऊपर, देखिए आप जब कहेंगे डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो उसका प्रभाव दूसरे चीजों पर पड़ना अवश्य भावी है। ये बात मानिए गुरेश जी, जब कोई तेल खरीदने जाता है खाने का हो या फिर गाड़ी के लिए, यहां भी लगता है सर, यहां भी लगता है। नहीं राहुल भाई का तिलक भाई तर्क जो है ना वो संगत है, लेकिन मैं आपको दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाता हूँ उसमें सर। वो दूसरा पर्सपेक्टिव ना सर, हम 8 तारीख के बाद, क्योंकि आपने कहा कि नहीं बढ़ेंगे 7 तारीख के बाद, मैंने सही सुना था ना सब, आपने भी संजीव जी सुना था दीपचंद्र राठौर जी की अपन बैठेंगे ना उसके बाद भी दाम नहीं बढ़ेंगे पक्का, अपन बैठेंगे ना वापस 8 तारीख को भी बैठेंगे, 10 को भी बैठेंगे, 12 को भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता हूँ। वो मेरे को हमारे यहाँ क्योंकि हिंदू मुसलमान में डिबेट नहीं होती ना सर, मैं हिजाब पे चर्चा नहीं करता, उस पर चर्चा करूंगा तो वक्त खराब हो जाएगा, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, है ना सर, इसी पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, आपका भी एजेंडा है ना सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, आप तो करते नहीं है हिंदू मुसलमान, इसलिए क्या चावला जी एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, नहीं सबका साथ अपना विकास। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल लाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ पर मुद्दा यही है कि क्या वाकई चुनाव के बाद नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, और इस बात की क्या गारंटी। तो आज का मुद्दा आपको आपके लिए एक बार फिर से समर्पित, लेकिन यहां पर सवाल यही कि आखिरकार देश के भीतर महंगाई क्या वाकई में मुद्दा नहीं, या फिर महंगाई मुद्दा बनने ही नहीं दिया गया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।